नमस्कार, स्वागत है आपका आसन पर कैसा में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। शिमला में दो साल के जश्न के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से करने पर गरमाई राजनीति। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को ओछी बयानबाजी न करने की दी नसीहत। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। दुनिया भर में झूठ मोलने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सोनिया और राहुल गांधी ने बनाया, जिससे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज होने वाला है, कहा वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने। हमीरपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एनआरसी और सीएए के विरोध में जोरदार रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले को जताया विरोध। सीएए, एनआरसी व एनपीआर पर भाजपा के नेता लोगों को कर रहे गुमराह। हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राणा ने भाजपा नेताओं की खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक करने की कही बात।